दिल खैराबादी साहब से पहले मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कारी अब्दुल हफीज साहब उस्ताद जामिया अरबिया हथौराबादा से कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन के कुलूब को मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब साफी मद्दज़िल्लुल आली, ये जो चमक चमक देख रहे हैं हजरत मौलाना हसन साहब की ज़र्रा नवाजिश से आप हजरात यहाँ जमा हैं, नादिया मुशायरा और मुजाहरे क़िरत के उनवान से आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक तआला आप हजरात के आने को कबूल फरमाए और इसी तरह हजरत मौलाना हसन साहब को आप हजरात दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला इनकी उम्र में बरकत दे, इसी तरह आप हर साल जमा होते रहें। हजरत मौलाना हसन साहब ने मुझसे कहा था कि आपका प्रोग्राम 21 तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे के बाद तो 22 हो जाती है, तो 22 तारीख का प्रोग्राम मेरा है। बहरहाल आप हजरात दुआ फरमाएं, मेरी तबीयत नासाज है लेकिन हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नजीब अहमद साहब कासमी मद्दज़िल्लुल आली जानशीन आरिफिल्ल हजरत मौलाना क़ारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब नूरल्लाह मरकदा हजरत मेरे उस्ताद हैं। मैं अपने उस्ताद के सामने पिछला पुराना सबक आप हजरात के दरमियान सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात से दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें अल्लाह तबारक तआला मुझे कुरान पढ़ने का उसी तरह इल्म दे दे, उसी तरह हक दे दे जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبار
متكبر سبحان الله عما يشركون. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما شاء الله. صدق الله العظيم.